तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस एडिट्स में। तो गाइज आज हम एडिटिंग करने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छी होने वाली है, जो कि आपके फेवरेट कार्टून शिनचैन के ऊपर होने वाली है। तो गाइज इसी बात के लिए वीडियो को पूरा देखना, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो गाइज हम चलते हैं अपने पिक को ले लेते हैं हम। गाइज इन्हें तो आप जानते होंगे, काफ़ी जानते होंगे, बहुत से जने जानते होंगे। तो गाइज हम यहाँ से शेयर कट के ऑप्शन पे दबाएंगे एंड इसे पिक्सार्ट में ओपन कर लेंगे। तो गाइज अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन तो ज़रूर दबा देना, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो गाइज मैं यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ, यहाँ से हम इसे पिक्सार्ट में इम्पोर्ट हो लेंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपने फोटो, गाइस हमारा आ चुका है। गाइस हमारा फोटो यहाँ पिक्सार्ट में इम्पोर्ट हो चुका है। तो गाइस हमें क्या करना है, गाइस हमें उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें हमें क्या करना है गाइस, इसमें हमें अपना शिनचैन की स्टिकर लगानी है एंड शिनचैन को यहाँ पे लाना है फोटो के अंदर। तो गाइस हम यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे, चलिए चलते हैं। तो गाइस हमने दूसरा भी लगा लिया है यहाँ, और अब गाइस पिक्सार्ट का काम खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस चलिए चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज हम आ चुके हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज़ हम फोटो में क्या करने वाले, गाइज में आधे से ज़्यादा काम जो है लाइट रूम एप्लीकेशन का है। तो गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लाइट के ऑप्शन में जाना है एंड इसकी लाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड हाईलाइट्स को कम करना, शेडोज़ को कम करना है, वाइट्स को बढ़ाना और ब्लैक्स को बढ़ा देना है आपको। एंड अब आपको आ जाना कलर वाले टूल में, फ़ोटो की वाइब्रेंस को इंक्रीज़ करना है आपको और इसे कस्टम कर देना है। कस्टम करके आपको फ़ोटो की वाइब्रेंस इंक्रीज करनी है एंड आप आ जाना है मिक्स वाले टूल में एंड ऑरेंज में आकर आपको इसकी लूमिनेंस को इंक्रीज करना है, जिससे कि फेस वाइट हो जाए। एंड अब आपको आ जाना है ग्रीन में, ग्रीन की आपको क्या करना है गाइस, आपको ह्यू जो है ना इस इधर की तरफ कर रखनी है, लूमिनेंस को बढ़ाना है जैसा आप अच्छा लगेगा। इसमें प्लस में 5 रख देता हूँ लुमिनेंस। एंड आपको इसमें टील वाले ऑप्शन में जाना है एंड आपको इसकी ह्यू को बिल्कुल कम कर देना है। एंड अब आपको जाना है ब्लू में, ब्लू की ह्यू भी बिल्कुल आपको डाउन करनी है, बिल्कुल डाउन। एंड इसकी सेचुरेशन को आप बढ़ा देना, लुमिनेंस को आप घटा माइनस में रखना है गाइज, आपको लुमिनेंस माइनस में रखना है। एंड गाइज यहाँ से आपको प्लस कर देना है, मतलब ओके कर देना है। अब आपको जाना है क्लैरिटी टूल में, क्लैरिटी टूल में आपको इसकी क्लैरिटी इंक्रीज करनी है। गाइज क्लैरिटी को थोड़ा कम रखने एंड विग्नेट को नहीं रखते हैं, थोड़ी गाइज में विग्नेट डाल देते हैं। एंड अब गाइज आपको आ जाना है शार्पनिंग के टूल में, इसकी हमें गाइज शार्पनिंग बढ़ा देनी है एंड नॉइस रिडक्शन बढ़ा देना है, और वैसे कलर्स नॉइस रिडक्शन और जरूर बढ़ा देना है आपको एंड स्मूथनेस को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। एंड गाइज अब क्या करना है आपको, गाइज अब सिलेक्टिव टूल पे आ जाना है। तो वैसे सिलेक्टिव टूल का मैं नीचे लिंक देता रहता हूँ, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ये हर उसमें नहीं आता। तो वैसे सिलेक्टिव टूल्स में जाएंगे एंड हम इसे यहाँ से करेंगे। तो गाइज इसे नीचे की तरफ से करते हैं थोड़ा सा, सॉरी गाइस ये थोड़ा सा पैसा हो रहा है गलत। तो गाइस हम दोबारा जाते हैं सिलेक्टेड टूल्स के अंदर। गाइस आप सब देख सकते हैं एकदम फोटो बहुत ही बढ़िया हो चुकी है, एकदम फुल एचडी में फोटो हो गई है गाइस, फुल एचडी में। एंड यहाँ सिलेक्टेड टूल्स में जाना है आपको एंड यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लेना है एंड नीचे नीचे कर देना है, नीचे नीचे की तरफ।
एंड गाइस आपको लाइट में जाना है गाइस, इसका एक्सपोजर आपको कम करना है थोड़ा गाइस, यहाँ से कर देना आपको ओके। और गाइस आपको दोबारा से इसमें जाना है लाइट वाले ऑप्शन पर गाइस, इसका कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ करना है आपको, जिससे कि आपके फ़ोटो में एक रियल चमक आएगी। तो गाइस हमारी फ़ोटो हो चुकी है तैयार, वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना है, जिससे कि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर में बहुत फ़र्क आ चुका है, एंड कप क्लॉथ में भी लाइटिंग आ गई है। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी, तो गाइस चलिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइस आप बता सकते हैं अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं, एंड जो भी मैं गलती कर रहा हूँ आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो, तभी मैं अपनी गलती को सुधार पाऊँगा। तो गाइस थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए, तो गाइस 3 डॉट पर जाके इसे सेव कर देना है। ये सेव हो जाएगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।